हाय फ्रेंड्स, अगर आपके सीए फाइनल एग्जाम्स में थ्योरी के सब्जेक्ट नहीं क्लियर हो रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ आप कुछ गलत कर रहे हैं, जिसके वजह से नहीं हो रहे। मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूँ जिससे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के थ्योरी के एग्जाम, जैसे कि ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, वो ऐसे निकल जाते हैं मजाक में। ठीक है, सो वॉट यू हैव टू डू इज फर्स्ट थिंग, जो आप गलत कर रहे हो, आप पूरा कोर्स उठा ले तो उसको 10 दिन में या 15 दिन में खत्म कर देते हो। ऑडिट पकड़ ली, 15 दिन में खत्म, अगले 15 दिन में लॉ खत्म। नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना। चाहे आप ऑडिट करी 15 दिन, फिर आपने अकाउंट्स करी, फिर लॉ करी 15 दिन, वो भी बिल्कुल नहीं करना। इंस्टेड मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, एक मंत्र है, आप उसको पकड़ लो तो आपकी थ्योरी सब्जेक्ट ऐसे आराम से निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा उसकी तैयारी कब होगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स को देना है, दैट्स इट। क्या करना है आपको, मान लो आपको लॉ और ऑडिट है, मान लो आपको लॉ कम पसंद है, आपको ऑडिट ज्यादा पसंद है, तो आप क्या करो, सबसे पहले सुबह उठते ही लॉ की बुक पकड़ो और 1 घंटा लॉ को देना शुरू कर दो, और शाम को ऑडिट जो कि आपको पसंद है वो शाम को 1 घंटा सोने से पहले ऑडिट आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अब आपको ये कैसे करना है, कितने दिन करना है, आप पूरे कोर्स को, मान लो आपको 300 पेज है ऑडिट की बुक के या 300 पेज है लॉ की बुक के, आपको इसको 30 डेज में डिवाइड कर देना। अगर 300 पेज है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो आपके 10 पेज हो गए रोज के, तो 1 घंटे में आपको पहले 30 दिन, इन फर्स्ट 30 डेज, इन दी फर्स्ट मंथ, आपको 10 पेज रोज के सुबह 1 घंटा पढ़ने, और मान लीजिए 300 पेज ही ऑडिट की बुक के हैं तो रात को 10 पेज आपको 1 घंटा ऑडिट के पढ़ने। इससे क्या होगा, 30 डेज में आपने सिर्फ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को दिया और आपकी पूरी की पूरी लॉ और ऑडिट एक बार हो गई। आपको कुछ रट्टा नहीं मारना, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रीड थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइम जब आपने 30 डेज में एक बार पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर लिया। नेक्स्ट टाइम अब आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पीड डबल करनी है, एज इन अगर आपने पूरा ऑडिट और लॉ 30 डेज में किया था, नेक्स्ट टाइम आपको 15 डेज में करना वही है, सेम थिंग। सुबह सुबह उठ के 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, बट अब उस 1 घंटे में जहां आपने 10 पेजेस पढ़े थे बिकॉज आप एक बार वो कर चुके हो, नेक्स्ट टाइम यू शुड बी एबल टू डबल दैट इम्पैक्ट एंड डबल दैट स्पीड। तो आपको 20 पेजेस करने हैं 1 आवर में, तो नेक्स्ट 15 डेज आप बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहो। ये ऑडिट और लॉ या जो भी आप थ्योरी के सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, अब 15 दिन में खत्म करने हैं। दो टाइम हो गया, अब क्या करना है आपको, थर्ड टाइम, और ये लास्ट टाइम है। आपको 3 टाइम ही करना है, फोर्थ टाइम नहीं करना। थर्ड टाइम अपने पूरे सिलेबस को 7 डेज में खत्म कर लो, विच मीन्स आपकी स्पीड हो गई डबल से ट्रिपल। आपने जहां पहले 10 पेज करे थे 1 घंटे में, फिर 20 पेज करे, अब आपको 30 पेज करने, राइट? आप 30 पेज करोगे या 40 पेज करोगे तो आपकी 1 हफ्ते में वो खत्म हो जाएगा। अब आपको ये नहीं करना कि अब मेरा खत्म हो गया, 7 डेज में ऑडिट हो गया, 7 डेज में लॉ हो गया, अब फाइनली आपको क्या करना है, जब आपका फाइनल का एग्जाम है, आपको 1 दिन मिलता है, 2 दिन मिलता है, उसमें बिकॉज अब आप 30 डेज, 15 डेज, 7 डेज में कर चुके हो, लास्ट टाइम उसको सारे के सारे को पढ़ लो, इन इन दोज 2 डेज फिनिश इट एंड गो फॉर द एग्जाम, एंड वॉट यू विल सी इज कि आपको वो चीजें याद आएंगी एग्जाम में बैठ के, क्योंकि आपने वो और चीजों के साथ करी। तो आई होप दिस यू यू फाइंड दिस यूजफुल। अगर आपको यूजफुल लगे, आपका पेपर क्लियर हो जाता है इस टिप के बाद, प्लीज डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।